घर हो या बाहर, चोरों और चोरी से हर कोई परेशान रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे चोर के बारे में बताएंगे जिसने देश भर में घूम घूम कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। तभी तो इसे चोरों का उस्ताद कहा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोलकाता के बिधान नगर पुलिस ने ऐसे चोर को पकड़ा है जिसके चोरी के किस्से एक या दो नहीं बल्कि कई किस्से हैं। हो भी क्यों ना, इसने एक या दो नहीं पूरे 14 राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसका खुलासा 2 साल पहले हुई चोरी के बाद ही हुआ, जो कि सॉल्ट लेक में सौरभ अबासन में हुई थी। 2021 में उसने सौरभ अबासन के 2 फ्लैट में 12 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि चोरों के उस्ताद ने बीते 25 साल में 14 राज्यों में चोरी की, और तो और ये चोर करीब 1200 चोरियों को अब तक अंजाम भी दे चुका है। बिधाननगर सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ये चोर देश भर में चोरी के मामलों में वांछित है। इस चोर का नाम नदीम कुरैशी है, जो कि चोरी करके इतना अमीर हो गया है कि वो सेडान कार में घूमता था और कॉरपोरेट सेक्टर के कर्मी की तरह दिखने के लिए फॉर्मल कपड़े पहनता था। पुलिस के मुताबिक नदीम कुरैशी के पास मुंबई और पुणे में करोड़ों की संपत्ति भी है और उसके बच्चे प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई करते हैं। नदीम बेहद शातिर चोर है। उसकी चोरी करने का स्टाइल भी बेहद अलग था, जिससे वो चोरी करने वाली जगह से आसानी से निकल जाता था। कुरैशी फॉर्मल कपड़ों में घूमता था और कम सुरक्षा वाले परिसरों को निशाना बनाता था। वो बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक लिफ्ट लेता था। इसके बाद फिर वो बंद घरों की जांच करने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरता था और इसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम देता था। यही नहीं, वो केवल नकदी और सोना ही चुराता था ताकि चोरी की गई लूट का पता न लगाया जा सके। पुलिस को पहली बार 2021 में उसके बारे में पता चला था जब उसने सौरभ अबासन में डकैती की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन तब वो भागने में कामयाब रहा। हालांकि बाद में उसके राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की खबर भी सामने आई। वहीं गाजियाबाद में चोरी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था, जहां वो 2021 से बंद है। वहीं 2021 में बंगाल में नारायणपुर और बागोई आटी में इसी तरह के अपराध को लेकर पुलिस कुरैशी के कनेक्शन का पता लगा रही है। 5वीं कक्षा की पढ़ाई करने वाले कुरैशी ने गाजियाबाद स्थित अपने पैतृक गांव में मवेशियों की चोरी कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 17 साल की उम्र में पहुंचते वो कई चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुरैशी ने दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा और कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक नदीम कुरैशी 23 मामलों में घोषित अपराधी है, जिसे कम से कम 8 बार गिरफ्तार भी किया जा चुका है। नदीम कुरैशी ने नदीम गैंग नाम से अपनी एक टीम भी तैयार कर ली थी और वो बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहा था। पुलिस ने जेल अधिकारियों के सामने कुरैशी की प्रोडक्शन रिमांड रखी थी और इसके बाद गाजियाबाद पुलिस उसे बंगाल लेकर गई। साल्ट लेक की एक अदालत ने कुरैशी को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जहां उम्मीद है कि कुछ और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।